साई भुवनेश्वरी और मां सौदत्ती येलम्मा को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं कर्नाटका के सभी वोटर्स का अभिनंदन करता हूं। कर्नाटका में मैं जहां जहां गया हूं, मुझे एक ही स्वर सुनाई देता है, फिर एक बार। साथियों, हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग, हम सभी भगवान बसवेश्वरा का अनुसरण करने वाले लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली भारत बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। भगवान बसवेश्वरा ने अनुभव मंडपम से डेमोक्रेसी का रास्ता बताया। 10 साल में भारत शक्तिशाली हुआ। आप मुझे बताइए, भारत का शक्तिशाली होना आप गर्व करते हैं? आपको गर्व होता है? भारत की पहचान मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में होने लगी है, ये गर्व होने वाली बात है कि नहीं है? गर्व करने वाली बात है कि नहीं है? भारत से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, और जब 25 करोड़ लोग 10 साल के भीतर भीतर गरीबी से बाहर निकलते हैं तो हर हिंदुस्तानी का आत्मविश्वास बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आपका आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और इसलिए देश कह रहा